नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स और कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग स्टेट्स में साथ में मिलकर रहते हैं। ऐसी ही एक ट्राइब है तांगखुल नागा ट्राइब, जो मोस्टली इंडो म्यांमार बॉर्डर एरिया में रहती है। ये मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तांगखुल 9 से 11 सेंचुरी AD के बीच मंगोलिया से यूनान होके इंडिया पहुंची और सेटल हुई। मेटे डायलैक्ट के हिसाब से तांगखुल का मतलब है कॉस्टली विलेज, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से इस शब्द के ओरिजिन्स के काफी इंटरप्रिटेशन है। उनके लुहुपा, लुपा, तांगखुल, थांगखुम जैसे ऑल्टरनेटिव नाम भी है। तांगखुल्स हाईली कल्चर्ड लोग हैं और वो मंगोलियन रेस को बिलोंग करते हैं जो अब पूरे दुनिया में स्प्रेड आउट है। वो साइनो टिबेटो बर्मन लैंग्वेज ग्रुप्स की भाषा बोलते हैं और सेल्फ सफिशियंट होते हैं। उनके काफी क्लैंस या भाग होते हैं जैसे जिमिक, लुईखाम, केशिंग, होराम, शाइजा, जाजो, काशुंग इत्यादि। आज की डेट में तांगखुल नागास की एक ही रिलीजन है और वो है क्रिश्चियनिटी। इनफैक्ट तांगखुल नागास मणिपुर की पहली कम्युनिटी है जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले ज्यादातर ट्राइब्स की तरह तांगखुल नागास भी इलिटरेट थे और उनका कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं था। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब तांगखुल नागास ने क्रिश्चियनिटी अपनाया, वो लोग उस जगह के पहले समूह बने जिन्हें वेस्टर्न एजुकेशन मिला। और आज की डेट में उखरुल का लिटरेसी रेट है 81.08%। क्रिश्चियनिटी ने पूरे कम्युनिटी को मॉडर्निज्म और मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ने का अवसर दिया, लेकिन आज भी वो अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल गार्मेंट्स और बाकी चीज़ों को उतना ही वैल्यू देते हैं जितना कि क्रिश्चियनिटी के आने से पहले। उनके खुद का ओरिजिनल ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम है हाउ, जो अब हिस्ट्री बन चुका है और यंगस्टर्स अब उसे सिर्फ किस्सों में ही सुनते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से या कहानियां जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।